यहां पटना में बीजेपी बिहार प्रदेश संयुक्त मोर्चा की बैठक चल रही है और इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े, अरुण सिंह, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, हरी सहनी उपस्थित हैं और लोकसभा चुनाव और बड़े नेताओं के बिहार दौरे को लेकर ये बैठक हो रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार से, जहां प्रदेश संयुक्त मोर्चा की बैठक चल रही है और इस बैठक में तमाम बीजेपी के नेता मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े, अरुण सिंह, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, साथ ही हरी सहनी इस बैठक में मौजूद हैं और इस बैठक में लोकसभा चुनाव और साथ ही बड़े नेताओं के बिहार में दौरे को लेकर अहम बैठक हो रही है, चर्चा की जा रही है। तो चर्चा इस बात की है कि बिहार में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी की रैली होनी है और इन्हीं रैली को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है, खास करके आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की क्या रणनीति होगी इस पर भी चर्चा हो रही है। तो बड़ी खबर बिहार से, जहां प्रदेश संयुक्त मोर्चा की ये बैठक चल रही है और इस बैठक में तमाम बीजेपी के बड़े नेता मौजूद है, साथ ही फीडबैक लेने का काम भी किया जा रहा है। तो बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, साथ ही नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा मौजूद है, इसके साथ ही राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े, अरुण सिंह, हरी सहनी इस बैठक में उपस्थित है। तो आगामी लोकसभा चुनाव और साथ ही बिहार में बड़े नेताओं की रैली होनी है, जिसे लेकर ये बैठक बुलाई गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही गृहमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, इन तमाम नेताओं की आगे आने वाले दिनों में बिहार के अलग अलग जिलों में रैली होनी है, जिसे लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी बिहार के मतदाताओं को साधने में जुट गए हैं और चर्चा है कि इसी क्रम में पीएम मोदी 13 जनवरी को बिहार दौरे पर आ सकते हैं। बेतिया संसदीय क्षेत्र के सुगौली में संभावित कार्यक्रम है और यहां पीएम मोदी लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के तहत रैली को संबोधित करेंगे और साथ ही बिहार में केंद्र प्रायोजित कई योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण और उद्घाटन भी करेंगे। इसी कड़ी में सुगौली में इंडियन ऑयल की परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे और करीब 6,500 करोड़ रुपए की लागत से पूरी हुई यह परियोजना बिहार के लिए बड़ा उपहार है। सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल, डीएम दिनेश राय, एसपी अमरकेश डी, वहीं समस्तीपुर रेल प्रमंडल डीआरएम विनय कुमार श्रीवास्तव समेत कई अधिकारी बेतिया पहुंचे और उन्होंने स्थल का निरीक्षण किया। हालांकि पीएम के दौरे को लेकर संजय जायसवाल ने कहा कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, रमना मैदान का निरीक्षण करने आए हैं और अगर तारीख की घोषणा होगी तो जरूर बताया जाएगा। बेतिया में बहुत सारे सौगात मिली है, बेतिया का बाईपास पास हो गया है, पटना पुल पास हो गया है, लेकिन उसके साथ जमीन अधिग्रहण बिहार सरकार को करना है। सबसे दुखद बात यह है कि 2017 में रक्सौल हवाई अड्डे के लिए 250 करोड़ दे दिए गए, आज तक नीतीश कुमार जी ने अधिग्रहण नहीं किया। यहाँ भी पखना पुल के लिए 2,18,00,000,000 रुपए दिए जा चुके हैं, रोज हो रहा है, आज होगा अधिग्रहण, कल होगा। बेतिया बाईपास जो है वो NHAI का भाग है, NHAI में आप किसी तरह का रोक नहीं लगा सकते हैं, वो भारत का नियम है। इसलिए ये इसके लिए भी, लेकिन भूमि अधिग्रहण तो बिहार सरकार को ही करना है।
पटना में बीजेपी बिहार प्रदेश संयुक्त मोर्चा की बैठक चल रही है और बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े, अरुण सिंह, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, हरी सहनी उपस्थित है। लोकसभा चुनाव और बड़े नेताओं के बिहार दौरे को लेकर ये बैठक की जा रही है। और सहयोगी गौतम इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। गौतम, कई ऐसे मुद्दे हैं, लोकसभा चुनाव है और इसके साथ ही बिहार में बड़े नेताओं की रैली होनी है जिसमें पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, ये कई नाम सामने आ रहे हैं जिसे लेकर ये अहम बैठक बुलाई गई है। क्या कुछ जानकारी बैठक से निकलकर सामने आ रही है? देखिए, संयुक्त मोर्चा जो है बीजेपी की, उसकी बैठक है। एक साथ पहली बार जो है संयुक्त मोर्चा की बैठक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कर रहे हैं। 2024 यानी चुनावी साल जो है ये शुरू हो चुका है लोकसभा चुनाव को लेकर, और जो कहा जा सकता है कि पहली ये जो बैठक हो रही है जिसमें जो कहा जाता है कि बड़े पैमाने पर मोर्चा के तमाम सदस्यों को लेकर जो है पार्टी के तरफ से जो है ये जानकारी ली जा रही है कि आखिर क्या कुछ कार्य योजना है, किस तरह से कार्य करने को लेकर जो है उन्हें टास्क दिया जाए। और देखिए, एक बात ये भी है कि बीजेपी में 7 मोर्चा है, उन 7 मोर्चा के जो है अध्यक्ष हो या जो उनके पदाधिकारी हो, उन तमाम लोगों को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के साथ साथ जो है कहा जा सकता है कि विनोद तावड़े, राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े और अरुण सिंह, ये दोनों लोग जो है संबोधित करेंगे। हालांकि मोर्चा की बैठक अभी कुछ देर पहले अटल सभागार में जो है शुरू हो चुकी है, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनको जो चिन्हित यानी चयनित जो लोग हैं, नाम जिनका तय है, उन्हीं लोगों को ही इस मोर्चा की बैठक में बैठने की अनुमति है। और वैसे तमाम लोगों को जो है प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जो है हरी सहनी ये जो है अपनी जानकारी दे रहे हैं। विनोद तावड़े, अरुण सिंह जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, वो दोनों जो है इस बैठक में भी नहीं पहुंच पाए, मौसम में आई कुछ जो है दिक्कतों के कारण जो है उनकी फ्लाइट लेट हो गई, जिस कारण से उनके फ्लाइट अभी तक पटना नहीं पहुंच पाई, जिस कारण से उन्हें इस बैठक में जो समय शामिल होने का था वो अभी नहीं हुआ। मगर एक बात ये साफ है कि देखिए, आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जो कहा जाता है कि 10 क्लस्टर में जो बिहार के क्षेत्रों को जो बांटा गया, वहां पर जो रैलियां होनी है, उन तमाम चीजों को लेकर एक बड़ी तैयारी जो है बीजेपी की तरफ से करनी है। देखिए, बीजेपी की तरफ से जो बातें सामने अभी तक आधिकारिक रूप से नहीं आई थी, मगर हाँ ये जानकारी जरूर थी, मीडिया में भी खबरें चल रही थी कि 13 जनवरी को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेतिया में जो है सभा करेंगे, वहां पर जो है वहां पर लोगों के बीच उनका संबोधन होगा। मगर अभी जो जानकारी विश्वसनीय सूत्रों से, जो जानकारी बीजेपी विश्वसनीय सूत्रों से जो जानकारी मिल गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम जो बेतिया में आने को लेकर जो कहा जाता है कि जो तय हो रहा था या जो उसकी जानकारी जो मीडिया में चल रही थी, जो जानकारी साझा हो रही थी, वो जो है स्थगित हो गई है। उस पर जो है अभी तक कंफर्मेशन उधर वहां से नहीं मिला है, पीएमओ से कंफर्मेशन नहीं मिला, जिस कारण से वो कार्यक्रम को तय नहीं माना जा रहा है। देखिए, उसके बाद जो है 10 तारीख को बीजेपी जो है एक बड़े कार्यक्रम यानी जो कहा जा सकता है कि 10 तारीख को बीजेपी के तरफ से जो है पटना में अटल सभागार में, बीजेपी पार्टी कार्यालय के अटल सभागार में जो है यहां पे कार्यक्रम हो रहा है, मीडिया की कार्यशाला हो रही है, जिसमें स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री जो है स्मृति ईरानी वहां पहुंचेंगी, और जो कहा जा सकता है यहां पर मीडिया सेल जो बीजेपी का है वहां पर उस कार्यशाला में वो सम्मिलित होंगी। साथ ही साथ इसके बाद जो कहा जाता है कि राजगीर में जो है महिला मोर्चा की जो बैठक है 11 और 12 को जो है बीजेपी महिला मोर्चा की बैठक है राजगीर में हो रहा है, कन्वेंशन हॉल में होने जा रहा है, यानी एक बड़ी जो बैठकों का सिलसिला है बीजेपी की तरफ से शुरू करने को लेकर पूरी तैयारी। और 13 तारीख को जो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को जिस जानकारी जो मिल रही थी आने का, वो जो है कार्यक्रम अभी उसकी जो जानकारी मिल रही कि वो कन्फर्म नहीं है, उसकी पुष्टि अभी नहीं की जा सकती। हाँ, मगर ये बात जरूर है कि जो आने का कार्यक्रम बन रहा था या जो जानकारियां जो साझा हो रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 तारीख को बेतिया में आकर जो है सभा को संबोधित करेंगे, लोगों को जानकारी देंगे, तो वो जानकारी जो है अब लोगों को ये मैं अपने माध्यम से बता दूं कि अब वो कार्यक्रम स्थगित होने की जानकारी मिल रही है, प्रधानमंत्री 13 तारीख को बिहार के दौरे पे नहीं आ रहे हैं। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया गौतम आपका तमाम जानकारी के लिए।